नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सुराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं सुर्खियों के साथ। प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए सरकार की तरफ से जानकारी, जरूरत पड़ी तो हर स्टेशन से चलाएंगे ट्रेन। अगले 10 दिन में करीब 2600 ट्रेन चलाने की योजना। दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर हंगामा, पानी की बोतलों पर टूटे प्रवासी मजदूर। मुंबई से बिहार के बेतिया जा रही थी श्रमिक ट्रेन। राहुल गांधी ने मजदूरों से बातचीत का वीडियो किया जारी। बीजेपी बोली पॉलिटिकल पोल्यूशन। कांग्रेस का पलटवार, लाखों मजदूरों का सरकार ने नहीं रखा ख्याल। अम्फान से प्रभावित ओडिशा को केंद्र सरकार की तरफ से राहत। गृह मंत्रालय ने जारी किया 500 करोड़ का पैकेज। पीएम मोदी ने किया था मदद का ऐलान। और ईद से पहले माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की पहल, क्वारंटीन में रह रहे रोजेदारों को दिया जा रहा है सहरी और इफ्तार। ईद पर विशेष पकवान की तैयारी। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1,26,000 से ऊपर जा चुका है। कोरोना से मौत 3,750 से ज्यादा हो चुकी है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,654 नए केस सामने आए। यह दिन का सबसे बड़ा उछाल रहा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना को लेकर राज्यों को निर्देश दिए गए हैं। राज्यों को प्रवासी मजदूरों के लिए इंतजाम करने को कहा गया है। केंद्र की तरफ से राज्यों को मदद पहुंचाई जा रही है। 24 घंटे हेल्पलाइन सेवा के साथ साथ नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने राहत कैंप लगाए हैं। हम SOPs तो निकाल ही रहते, पर साथ ही साथ स्थिति को देखते हुए स्टेट्स एंड यूटीज को एडवाइजरीज भी जारी कर रहे थे। हमने उनको परामर्श दिया कि अगर माइग्रेंट वर्कर्स वॉकिंग पाए जा रहे हैं तो उनकी काउंसलिंग की जाए, उनको नियरेस्ट शेल्टर होम ले जाया जाए, उनके लिए भोजन आश्रय का प्रबंध किया जाए, और जहां से वे बसेस बोर्ड कर सकते हैं या श्रमिक स्पेशल ट्रेन ले सकते हैं वहां तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। हमने को रिक्वेस्ट किया कि वो प्रोएक्टिवली कोऑर्डिनेट करें और बसें और ट्रेन चलाएं, और इस पूरे लॉकडाउन में फंसे लोगों को घर पहुंचाने के इरादे से रेलवे की 10 दिन में 2600 ट्रेनें चलाने की योजना है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने जानकारी देते हुए कहा कि अगले 10 दिनों में 2600 ट्रेनें चलाई जाएंगी। 36 लाख लोग इससे यात्रा कर सकेंगे। 1 जून से रोजाना 200 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनें शुरू होने वाली हैं। 1,000 टिकट बुकिंग काउंटर्स खुल चुके हैं। रेलवे बोर्ड चेयरमैन ने यह भी कहा कि 1 मई को श्रमिकों को ट्रेन से जाने की इजाजत दी गई थी। अब तक 35 लाख प्रवासी श्रमिक ट्रेनों से एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंचे, जबकि करीब 10 लाख श्रमिकों ने राज्यों की सीमा के भीतर सफर किया। रेलवे के मुताबिक सबसे ज्यादा ट्रेनें यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड के लिए चलाई गई। रेलवे के 17 अस्पतालों को कोरोना के मरीजों के अस्पतालों में तब्दील किया गया है। रेलवे का यह भी कहना है कि यात्रा सिर्फ कंफर्म टिकट पर ही होगी, लेकिन वेटिंग लिस्ट की व्यवस्था इसलिए की गई है क्योंकि कैंसिल टिकटों से खाली बर्थ को बाकी लोगों को दिया जाएगा। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार ने एक बार फिर दोहराते हुए कहा कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का 85% किराया केंद्र, जबकि 15% किराया राज्य सरकारें दे रही हैं। 10 दिनों में जो हमने ट्रेनें शेड्यूल करी हैं वो करीब 2600 ट्रेनें शेड्यूल करी हैं, और उसमें जो हमने ये अनुमान लगाया है कि अगले 10 दिनों में 36 लाख पैसेंजर्स को हम ट्रेवल करा पाएंगे। और इसके अतिरिक्त हमने सारे राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि अगर उनकी राज्य की सीमा में कहीं से भी अगर उनको ट्रेन अरेंज करनी है वो हम तुरंत अरेंज कराएंगे। हम अपने सारे डिविजनल हेडक्वार्टर्स में हमने ट्रेन प्लेस करके रखी हुई है, एक तरह से रेक तैयार करके रखी है, और जैसे ही हमको कोई रिक्वायरमेंट मिलती है स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी से, हम विद इन स्टेट भी ट्रेन चलाने को तैयारी करके रखे हुए हैं। लॉकडाउन में रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनें तो चला दी हैं, लेकिन ये जिस कदर लापरवाही से चल रही हैं उसका हाल जानकर हर कोई हैरत पे पड़ जाएगा। कहीं जाने वाली ट्रेनें कहीं और चली जा रही हैं, और हद तो तब हो गई कि ये ट्रेनें 20 से 30 घंटे से अधिक समय तक लेट भी चल रही हैं। मुंबई के वसई से गोरखपुर चली 21 मई वाली ट्रेन। गोरखपुर जाने के बजाय उड़ीसा के राउरकेला चली गई। अब उड़ीसा से वापस ये ट्रेन यूपी आ रही है। इस कारण ये ट्रेन अब तक 38 घंटे लेट हो चुकी है। इससे पहले भिवंडी से मधुबनी चली श्रमिक ट्रेन बनारस से गोरखपुर चली गई, और फिर गोरखपुर से रक्सौल बॉर्डर, फिर वापस
नरकटियागंज होते हुए करीब 24 घंटे देरी से दरभंगा पहुंची। इसी तरह बोरीवली से मधुबनी चली श्रमिक ट्रेन जलगांव तक ठीक गई, उसके बाद नागपुर पहुंच गई, जहां से अभी यात्रियों को मधुबनी पहुंचने में कितना टाइम लगेगा किसी को पता नहीं। मुंबई से हम लोग गाड़ी पकड़े थे और यूपी जाने के लिए गोरखपुर, और ये उड़ीसा में लाके खड़ा कर दिया है। अभी हम लोग यहाँ से कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, हम लोग बहुत परेशानी में, हम लोग रास्ता ही भूल गया, ड्राइवर बोल रहे हैं। 3:30 बजे जौनपुर जाने वाली ट्रेन में बैठा और आज वो ट्रेन सुबह 8 बजे से भुसावल के आगे सुनसान जगह पे खड़ी है, जिसमें हमारे सभी यात्री लोग, बच्चे, महिलाएं और कुछ बुजुर्ग लोग काफ़ी परेशान हैं। मैं रेलवे प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि इस जो है परिस्थिति को देखते हुए और कोई ना कोई उचित कार्यवाही करें। जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना, फिल्मी गाना था, लेकिन ऐसा हो सकता है ट्रेन के साथ, यकीन नहीं होता। तो ट्रेन को जाना था यूपी के गोरखपुर, पहुंच गई उड़ीसा के राउरकेला। गलत रूट पर श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन चलाए जाने पर रेलवे की अजीबोगरीब सफाई आई है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने कहा है कि ट्रेन का ड्राइवर रास्ता नहीं भटका, ये कोई नई बात नहीं, तय रेल रूट पर ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण रूट में बदलाव किया गया। लेकिन सवाल यह है कि मुंबई से गोरखपुर के लिए रवाना हुई ट्रेन को उड़ीसा पहुंचने से कैसे ट्रैफिक कम होता और कैसे रेलवे का समय बचता, कहना मुश्किल है। ये प्रोटोकॉल हमारा एक बड़ा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, हम नॉर्मल टाइम में भी इसको फॉलो करते हैं कि जब भी किसी रूट में कुछ ज़्यादा कंजेशन हो जाए तो हम उसको दूसरे रूट से ले जाते हैं। तो एक ये बिल्कुल नॉर्मल प्रक्रिया है, हर स्टेशन पे, किसी भी स्टेशन पे यात्री को नहीं उतार सकते हैं, हम यात्री को उसी स्टेशन पे उतार सकते हैं जो पहले से आइडेंटिफाइड है और जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स पहले से स्क्रीनिंग करने के लिए और सारी व्यवस्था लेके हैं। थोड़ा लंबा रूट जरूर है लेकिन पहले पहुँचेंगे अगर इसी रूट पे हम चलाते उसके कंपेरिजन। उत्तर प्रदेश के उन्नाव रेलवे स्टेशन पर खाना पानी न मिलने पर यात्रियों के सब्र का बांध टूट गया। बेंगलुरु दरभंगा श्रमिक स्पेशल ट्रेन के नाराज यात्रियों ने जमकर उत्पात मचाया और तोड़फोड़ की। यात्रियों ने ईंट पत्थर चलाकर स्टेशन मास्टर के कमरे के का दरवाजा भी तोड़ दिया। इस घटना से स्टेशन मास्टर घायल हो गए जबकि दूसरे रेलकर्मी किसी तरह जान बचाकर भागे। हंगामे के बाद भारी संख्या में पुलिस फोर्स, जीआरपी और आरपीएफ की टीमें मौके पर पहुंची, किसी तरह यात्रियों को शांत करवा के ट्रेन को रवाना किया गया। डीएम रविंद्र कुमार ने बताया कि यात्रियों का आरोप है कि वो 2-3 दिन से ट्रेन में हैं, उनके लिए खाना और पानी की व्यवस्था तक नहीं है। डीएम ने स्टेशन स्टाफ को पीने के पानी का इंतजाम हर प्लेटफॉर्म पर करने के निर्देश दिए। यात्री थे, उनका आरोप था कि हम लोग पिछले 3-4 दिनों से ट्रेन में हैं लेकिन ट्रेन में पानी की व्यवस्था उचित नहीं है और जो खाना उन्हें मिलना चाहिए था ट्रेन में वो भी उन्हें नहीं मिला है। इस चीज़ को लेकर वे आक्रोशित थे, उन्हें हमारे यहाँ जो फोर्स थे उनको समझा बुझा के ट्रेन रवाना हो गई है और स्टेशन मास्टर को हमने निर्देश दिए हैं कि सभी प्लेटफॉर्म पर पानी की समुचित व्यवस्था कराई जाए। प्रवासी मजदूर खाने पीने के लिए किस तरह परेशान हैं, इसकी एक बानगी यूपी में दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर भी देखने को मिली। मुंबई से बिहार के बेतिया जा रही श्रमिक एक्सप्रेस जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर पहुंची तो हंगामा मच गया और यह हंगामा हुआ पानी के लिए। दरअसल स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों के लिए खाने और पानी का इंतजाम किया गया था लेकिन जैसे ही ट्रेन रुकी मजदूर राहत सामग्री पर टूट पड़े और जिसको जो हाथ लगा वो लेकर चलता बना। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पानी के लूटने की होड़ मची हुई। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन यानी पुराना मुगल सराय स्टेशन नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि जब इमोशंस हाई हो जाते हैं तो लोगों को कंट्रोल करने में कभी कभी दिक्कत होती है, बट इसको कंट्रोल किया गया। हुआ क्या था कि वो उसी वक्त कुछ पानी की सप्लाई हुई थी और उसको जब तक अंदर रखा जाता गाड़ियों का आवागमन हम रोक नहीं सकते, बट इसको हम लोगों ने देख लिया और इसको सारी बॉटल सब अंदर करा भी दी गई हैं तो इसमें अभी ये इस तरीके की वारदात दोबारा नहीं होगी। ये 1 नंबर पर ट्रेन आई थी, इसका ओरिजिन डेस्टिनेशन अभी मुझे एकदम से याद नहीं है, आज सुबह की घटना है और इसमें यही आदेश दिए गए कि पानी वगैरह जो भी चीज़ सप्लाई होती है उसको तुरंत सेफ एंड सिक्योर जगह पर रखिए। घरेलू उड़ान सेवाएं 25 मई से बहाल करने के ऐलान के बाद नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत अगस्त से पहले अच्छी खासी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों को फिर से शुरू करने की कोशिश करेगा।
उन्होंने ये स्वीकार किया कि कोरोना वायरस महामारी के बीच कुछ राज्यों ने सोमवार से घरेलू सेवा शुरू करने की जरूरत को लेकर सवाल उठाए हैं। केंद्र उनकी चिंताओं को दूर करने की कोशिश करेगा। मंत्री ने एक फेसबुक लाइव सत्र के दौरान ये स्पष्ट किया कि हवाई यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप जरूरी नहीं है और इसकी जगह वे एक स्वघोषित फॉर्म दे सकते हैं। पुरी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को फिर से शुरू करने की तारीख नहीं बता सकते, लेकिन ये अगस्त से पहले शुरू हो सकती है। हालांकि उन्होंने कहा कि ये हालात पर निर्भर करता है। बता दें कि कोरोना वायरस महामारी को फैलने से रोकने के लिए केंद्र ने 25 मार्च से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू किया था और तब से सरकार ने सभी यात्री उड़ान सेवाएं स्थगित कर रखी हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 16 मई को दिल्ली में प्रवासी मजदूरों से मुलाकात की थी। इसमें मजदूरों के जज्बे, संकल्प और जीने की कहानी शामिल है। हम आपको बता दें कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने पिछले शनिवार को दिल्ली में सुखदेव विहार फ्लाईओवर के पास प्रवासी मजदूरों से 30 मिनट मुलाकात की थी। उनके साथ फुटपाथ पर बैठकर बातचीत की थी, मास्क, खाना और पानी दिया था। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहकर गाड़ियां मंगवाई थी और कुछ मजदूरों को घर तक भी पहुंचाया था। हम आपको बता दें कि मजदूरों से राहुल गांधी की इसी मुलाकात पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो कहा था वो बेहद आपत्तिजनक बयान माना गया था। राहुल गांधी के मजदूरों की मदद वाले वीडियो पर और भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने मजदूरों की समस्याओं के पीछे सरकार को जिम्मेदार माना है, तो शाहनवाज कह रहे हैं कि कांग्रेस टोटल ड्रामा कर रही है। सवाल सिर्फ सीधा सा है कि राहुल गांधी का जो आज ऑडियो वीडियो आया है मजदूरों के साथ, वो मजदूरों के दर्द को बयान करता है, वो मजदूरों की तकलीफ को, जो समस्याएं उसे वजूद हैं वो बयान करता है। और वो सारी समस्याएं दूर हो सकती थी अगर केंद्र सरकार उनको लॉकडाउन में जाने के पहले समय दे देती, एक हफ्ते का, ट्रेनों से ले आती, बसों से ले आती, वहाँ केंद्र सरकार पूरी तरह सफल रही। कांग्रेस पार्टी सिर्फ इस तरह की ओछी राजनीति कर रही है, मजदूरों के लिए कुछ किया नहीं। कभी बस का ड्रामा शुरू किया, कभी जाकर मजदूरों से बात कर ली। क्या कांग्रेस पार्टी बताएगी कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने कहा कि सारे कार्यकर्ता 5 लोगों को जब तक खाना नहीं खिलाएंगे खुद खाना नहीं खाएंगे। कांग्रेस ने कोई अभियान नहीं चलाया, ना मजदूरों के लिए ना आम लोगों के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। इस कोरोना महामारी के दौरान बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि ऑपोजिशन की जो पॉलिटिक्स है बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इस पॉलिटिक्स के तहत एक कोरोना के आड़ में देश में पोलराइजेशन का भी पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं। स्टेट्स को कोई पावर नहीं दी जा रही है, कोई फ्रीडम नहीं दिया जा रहा है, एंड ऑल द पावर्स हैव बीन यूजर्प्ड बाय द पीएमओ। आप किस बेसिस पे ऐसा कह रहा है ऑपोजिशन? पूरा पावर उनके पास है, उनके कैबिनेट के लोग भी डरते हैं इसलिए कि अगर हम कुछ कहें तो हमको मुसीबत है, या तो पोर्टफोलियो बदल जाएगा या ड्रॉप हो जाएंगे या कॉर्नर कर दिया जाएगा। तो ये 20 लाख करोड़ का कोविड रिलीफ पैकेज अनाउंस हुआ, इट्स अ क्रूअल जोक ऑन द नेशन। कोई पैसा लोगों के जेब में नहीं गया, उन्होंने जो पैकेज दिया है जी, सब पुराने हैं, सब दिखावे हैं। देखिए ऑन रिकॉर्ड पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। अम्फान तूफान से ओडिशा में भयंकर बर्बादी हुई है। पीएम मोदी भी हालात का जायजा ले चुके हैं, जिसके बाद पीएम मोदी ओडिशा के लिए 500 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान भी कर चुके हैं, जिसे गृह मंत्रालय ने अब जारी कर दिया है। अम्फान से ओडिशा और पश्चिम बंगाल में जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल को 1000 करोड़ और ओडिशा को 500 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया था। तुरंत राहत पैकेज मिलने पर ओडिशा सरकार ने केंद्र सरकार का धन्यवाद अदा किया है। कोरोना से उपजे आर्थिक संकट के बीच केंद्र सरकार जीएसटी पर आपदा उपकर लगाने पर विचार कर रही है। द इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक जीएसटी से अतिरिक्त राजस्व जुटाने का प्रस्ताव वित्त मंत्री को भेजा गया है। प्रस्ताव में जीएसटी के 5% वाले स्लैब को इससे अलग रखा गया है।
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक दो राज्यों के वित्त मंत्री केरल और असम ने कहा है कि सरकार का यह कदम ठीक नहीं होगा क्योंकि उद्योग पहले से ही आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। असम के वित्त मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि हालात ऐसे हैं कि कोई भी उपकर ठीक नहीं होगा। बता दें कि बिस्व शर्मा जीएसटी काउंसिल के सदस्य भी हैं। सूत्रों का कहना है कि जीएसटी में आपदा उपकर लगाने का मुद्दा जीएसटी परिषद में उठाया जाएगा। उम्मीद है कि अगले कुछ हफ्तों में ये बैठक हो जाएगी। देश भर में लागू लॉकडाउन के दौरान गंगा और यमुना के पानी की गुणवत्ता में सुधार की रिपोर्ट पर एनजीटी ने संज्ञान लिया है। एनजीटी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया है कि वो नदियों के प्रदूषण में हुई कमी का अध्ययन और विश्लेषण करे। एनजीटी ने कहा है कि सीपीसी भी इस बात का विश्लेषण करे कि क्या औद्योगिक कचरे और गंदे पानी से होने वाले प्रदूषण में कमी आई है। एनजीटी ने निर्देश दिया कि औद्योगिक और दूसरी गतिविधियां फिर से शुरू होने के बाद ये सुनिश्चित किया जाए कि पर्यावरण के सभी नियमों का पालन हो। एनजीटी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी निर्देश दिया कि नदियों और दूसरे जलाशयों में जाने वाले कचरे का 100% ट्रीटमेंट किया जाए, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस प्रकार की रिपोर्ट मिली है कि लॉकडाउन के दौरान नदियों के पानी की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। सीपीसीबी को इसकी वजहों पर स्टडी करनी चाहिए। एनजीटी ने कहा कि सीपीसीबी 15 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट जमा कर सकता है, लेकिन कार्य योजना क्या है और वो कैसे लागू होगी इसके बारे में 31 अप्रैल तक ईमेल के जरिए जानकारी दी जाए। लॉकडाउन के दौरान पंजाब सरकार की तरफ से मकान मालिकों को सख्त हिदायतें दी गई हैं कि वो किराएदारों को किराए के लिए तंग ना करें, लेकिन पंजाब के जालंधर में बहुत सारे मामले ऐसे सामने आ रहे हैं जहां मकान मालिक अपने किराएदारों को तंग कर रहे हैं। जालंधर के डिप्टी कमिश्नर के यहां कई केस आए हैं जिसमें किराएदारों को तंग किए जाने की बात है। कहा गया है कि उन्हें नहीं रहने दिया जाएगा। ऐसे ही एक संदीप कुमार का कहना है कि खुद पुलिस के मुलाजिम आकर उनके कमरे में ताला लगाकर गए हैं। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर से मांग की है कि इस मामले में उनको इंसाफ दिलाया जाए। वहीं पूरे मामले को उठाने वाली लोक इंसाफ पार्टी के जालंधर के प्रधान जसबीर बग्गा का कहना है कि इस मुश्किल घड़ी में उनकी पार्टी ने कभी भी लोगों का साथ नहीं छोड़ा और पीड़ितों को वो इंसाफ दिलाकर रहेंगे। ਲੈਣ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਸ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੇ। 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦਿਓ ਬਸ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੈਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਦੇ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕੱਪੜੇ ਕੁੱਪੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ 'ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਆ, ਅਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿਓ, ਬਿੱਲ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚਲੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਕੰਮ ਜੇ ਉਹ ਖੁੱਲੂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤਾਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨੰਗਲਸ਼ਾਮਾ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਵੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। और लॉकडाउन के दौरान बीकानेर के लोग पानी की किल्लत से परेशान हैं। यहाँ लोग कई दिनों से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने पानी की टंकी पर चढ़कर चेतावनी दी है। लोगों का कहना है कि पानी नहीं आने से वे बहुत परेशान हैं, बूंद बूंद को तरस रहे हैं। लोगों के मुताबिक अगर हालात नहीं सुधरे तो वे आंदोलन को मजबूर होंगे। कि कोरोना की महामारी से भी हम लोग परेशान हैं, मौत से जूझ रहे हैं, दूसरा पानी से प्यासे होकर ऐसी पब्लिक भूखे प्यासे मर रही है। तो मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि एक महीना हो गया, वार्ड नंबर 3 सुजान देसर में देदाणी मोहल्ला और चौपड़ावाड़ी रामदेव जी मंदिर के पास एक बूंद पानी तक नहीं आ रहा है। पूरी तरह से वो जलदाय विभाग के कर्मचारी पानी छोड़ नहीं रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ पर आए तो यहाँ पर हमें मौके पर ना तो कोई जैन साहब मिले, ना कोई अयन साहब मिले, कोई कर्मचारी यहाँ पर उपलब्ध है नहीं, और जनता जाए तो कहाँ जाए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। सच
सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1-800-300-26072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 एकड़ ऑफ लश ग्रीन कैंपस, हॉस्टल फैसिलिटी। एडमिशंस ओपन फॉर इंजीनियरिंग, फार्मेसी, डेंटल, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर। भाभा यूनिवर्सिटी एट होशंगाबाद रोड, भोपाल। कॉल 9165025500। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। कोरोना वायरस के हमले के कारण अमेरिका का हाल बेहाल है, आर्थिक मोर्चे पर हालात खराब हैं। इन सब के बीच अमेरिका के H-1B वीजा के नियमों में बदलाव से भारत समेत दूसरे कई देशों के प्रोफेशनल लोगों को परेशानी हो रही है। अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस के दोनों सदनों में H-1B कामकाजी वीजा में अब सुधार से जुड़ा बिल पेश किया गया। बिल में अमेरिका में पढ़े विदेशी प्रोफेशनल्स को तरजीह देने का प्रस्ताव है। बिल में कहा गया है कि H-1B धारकों को नौकरी देने से अमेरिकी वर्कर्स पर उल्टा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर H-1B वीज़ा बिल में बदलाव को मंजूरी मिल जाती है तो यह पहली बार होगा कि अमेरिकी सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस H-1B वीज़ा प्राथमिकता का आधार बनेगा। वीज़ा कानून में बदलाव के प्रस्ताव के मुताबिक अमेरिका में पढ़े लिखे काबिल छात्रों को H-1B वीज़ा के लिए चुनना है। इसके तहत उन छात्रों को भी मौका मिलेगा जिनके पास एडवांस डिग्री है। ऐसे में अमेरिका में पहले से मौजूद भारतीय छात्रों को फायदा मिल सकता है। अमेरिका में 2,00,000 से ज़्यादा भारतीय छात्र हैं। आपको बता दें कि भारत और चीन जैसे देशों से हर साल हजारों कर्मचारियों को नौकरी पर रखने के लिए कंपनियां इस वीज़ा सुविधा पर निर्भर करती हैं। US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज हर साल 65,000 H-1B वीज़ा जारी करता है। लॉकडाउन का असर हर क्षेत्र पर पड़ा है। तमिलनाडु के मदुरई के आरापालयम बस स्टेशन पर फूल बेचने वाली मटुत्वानी का कहना है कि उन्हें भारी घाटा उठाना पड़ रहा है। उनके मुताबिक उनका उत्पाद बेकार हो गया और फूलों की जो कीमत पहले 1,000 रुपये किलो तक होती थी वो अब घटकर 70-80 रुपये किलो तक मिल रही है। उनके मुताबिक मांग घटने से खेतों में ही उनकी उपज खत्म हो जा रही है। हरियाणा के झज्जर में फूलों के किसान परेशान हैं। उनका कहना है कि उन्होंने खास किस्म के फूलों की खेती की थी लेकिन बाजार बंद होने से उन्हें खासा नुकसान उठाना पड़ा और फल खेतों में ही सूख रहे हैं, जिससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो चुका है। हमारे पास में 14 एकड़ जमीन है। 14 एकड़ जमीन में हम 3 एकड़ में ओपन लैंड है जिसमें हम जिसमें रजनीगंधा वगैरह लगाते हैं और बाकी हमारे पास में पॉली हाउस और नेट हाउस है जिसमें हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कहते हैं वो करते हैं। इसमें हम फ्लावरिंग करते हैं, फ्लोरिकल्चर का काम करते हैं। रमज़ान के मौके पर माता वैष्णो देवी धाम श्राइन बोर्ड ने मुश्किल में फंसे मुस्लिम परिवारों को सहरी और इफ्तारी खिलाकर मिसाल पेश की है। वैष्णो देवी मंदिर का संचालन करने वाले इस बोर्ड के आशीर्वाद भवन को क्वारंटीन सेंटर में बदल दिया गया है जिसमें 500 मुस्लिम क्वारंटीन किए गए हैं। बोर्ड ही इन लोगों के खाने पीने का इंतजाम कर रहा है। आशीर्वाद आश्रम में मौजूद ज़्यादातर लोग मजदूर वर्ग से हैं। बोर्ड की ओर से बताया गया कि अभी तक लोगों को खाना खिलाने के लिए 80,00,000 रुपए खर्च किए जा चुके हैं। भी मुस्लिम भाई थे उनके लिए उस तरीके से अकोमोडेट किया गया जिससे सुबह सहरी उपलब्ध आ जाए, शाम को इफ्तार, जो उनके अकॉर्डिंग थी वो चेंजेस की गई है, मिनिमल चेंजेस, जिससे कि उनको अच्छे ढंग से यहाँ पर खाना मिले। ईद के लिए कोशिश ये रहेगी कि हम उनको यहाँ पर अच्छा ट्रीटमेंट मिले और अच्छे ढंग से हो रहे हैं जिससे कि ईद को अच्छे ढंग से सेलिब्रेट कर पाए यहाँ। और बॉलीवुड के कलाकार मोहित बघेल का निधन हो गया। वो 27 साल के थे। मोहित लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। उनके निधन पर बॉलीवुड में शोक की लहर फैल गई। मोहित बघेल ने कॉमेडी शो छोटे मियाँ के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने सलमान खान के साथ फिल्म रेडी में छोटे अमर चौधरी का दमदार किरदार निभाया था। मोहित बघेल ने फिल्म उमा में भी काम किया था। इस फिल्म में जिमी शेरगिल, संजय मिश्रा और ओमपुरी जैसे बड़े कलाकार थे।
कोरोना के कारण देश भर में लॉकडाउन है। 15 साल की ज्योति कुमारी के सामने मजबूरी और मुसीबतों का पहाड़ था। घर जाने का कोई साधन नहीं मिला, जिसके बाद मजबूर ज्योति अपने बीमार और घायल पिता को साइकिल पर बैठाकर हरियाणा के गुरुग्राम से अपने घर बिहार के दरभंगा के लिए निकल पड़ी। तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए बीमार पिता को अपनी साइकिल के पीछे बैठाकर 10 दिन में करीब 1200 किलोमीटर का सफर तय कर ज्योति अपने घर पहुंच गई। हर तरफ ज्योति की तारीफ हो रही है। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का कहना है कि यह मामूली बात नहीं है, अगर ज्योति चाहे तो साइकिलिंग का ट्रायल देकर ट्रेनिंग ले सकती है। फेडरेशन के इस ऑफर पर ज्योति ने खुशी जताई है। ज्योति ने कहा है कि मैं अगले महीने दिल्ली जाकर साइकिल के लिए ट्रायल दूंगी। फोन किया, बोला बेटा तुमको साइकिल में रेस लगाना है। बोले ठीक है। बोले मैं अभी तुम हम नहीं लगा सकते क्योंकि मेरा पैर हाथ सब दर्द हो रहा है। बोले ठीक है, एक महीना के बाद आ जाए आएंगे हम लेने के लिए। बोले ठीक है, एक महीना के बाद हम आ जाएंगे। बोला कि खाना पीना वहीं पे देंगे, रहने की भी व्यवस्था देंगे। बोले ठीक है। इसीलिए बेटी हमारा पति को लेकर आया यहाँ पर, पति को लेकर आया। हम लोग बहुत खुश है, बहुत खुशी की बात है कि ज्योति पापा को यहाँ से लेकर यहाँ चल। बीमार घायल पिता को साइकिल पर बैठाकर 1200 किलोमीटर का सफर करने वाली ज्योति की देश के बाहर भी तारीफ हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप भी ज्योति की मुरीद हो गई। इवांका ने ट्वीट कर कहा, 15 साल की ज्योति कुमारी अपने घायल पिता को अपनी साइकिल के पीछे बैठाकर 7 दिन में 1200 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करके अपने गांव पहुंची। धैर्य और प्रेम के इस खूबसूरत एहसास ने भारतीय लोगों और साइकिल फेडरेशन की कल्पना को दर्शाया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। स्वराज एक्सप्रेस पर विज्ञापन के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। आपको मेल करना होगा sales@newsplatform.in पर। RKDF University, a world-class university.